नमस्कार, अब खबर राजस्थान के पाली से। महासभा चुनाव 6 मई को नरवतखेड़ा में, समाज की धरोहर हड़पने वाले को नहीं बख्शा जाएगा। रावत राजपूत महासभा की कार्यकारिणी की अति आवश्यक बैठक महासभा प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वी सिंह सिरियारी की अध्यक्षता एवं संरक्षण मंडल के नाथू सिंह जी के बौद्ध स्निग्ध की पंजीकृत कार्यालय छात्रावास व्यवहार पर संपन्न हुई। बैठक में समस्त कार्यकारिणी ने एकमत हो महासभा चुनाव पूर्व में तय कार्यक्रम के अनुसार 6 मई 2018 को नरवतखेड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संयोजक लाल सिंह रावत के सहयोग में संपन्न कराने का निर्णय किया। बैठक में सभी ने साधारण सभा और संरक्षक मंडल द्वारा प्रच्युत अध्यक्ष द्वारा महासभा की धरोहर सोने के मेंढक को सुरक्षित संरक्षक मंडल के प्रधान को ना सौंपने अलग चुनाव की घोषणा पर कड़ा रोष प्रकट किया और इसकी कड़ी निंदा भी की। समाज में संविधान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर कार्यकारिणी ने एकमत हो गणपत सिंह सेदरिया और अनुशासनात्मक कार्यवाही का भी निर्णय लिया। कार्यकारिणी ने व्यवहार विधायक से समाज उपयोग के लिए भूखंड आवंटन, पृथ्वीराज चौहान स्मारक बनवाने, मेजर फतेह सिंह का स्मारक निर्माण का लिखित प्रस्ताव लिया। कई वक्ताओं ने समाज को कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले व्यक्तियों द्वारा समाज के संरक्षक मंडल के लिए एकता के निर्णय की अवहेलना कर अलग चुनाव कराने के निर्णय एवं उनके खिलाफ वातावरण तैयार करने, समाज के अग्रणी नेताओं का की आमजन में छवि खराब करने, नए नए बेतुके नियम निकाल समाज में विद्वेष की भावना भरने के दोषी बताया। इनकी कड़े शब्दों में निंदा की। महासभा चुनाव कार्यक्रम 30 अप्रैल को नामांकन प्रस्तुत उसी दिन जांच 1 मई को प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित, 3 मई को पात्र प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन और 6 मई को नरवतखेड़ा में चुनाव। राजस्थान के पाली से चैनल लाइव के लिए दुर्ग सिंह रावत की स्पेशल रिपोर्ट।